सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओटीटी वाला। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली कुछ बड़ी मूवीज की अपकमिंग ओटीटी रिलीजिंग अपडेट के बारे में। कौन कौन सी मूवीज आपको आने वाले दिनों पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है सब बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट हमारे पास निकल के आ रही है हॉलीवुड मूवी डेस्पिकेबल मी 4 से रिलेटेड, जिसको इसी साल 5 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और इस मूवी को इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 out of 10। मूवी को इंटरनेशनली VOD यानी कि रेंट के ऊपर Amazon Prime Videos के ऊपर रिलीज कर दिया गया था, लेकिन वहां पे इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। और काफी सारे इंडियन दर्शकों को इस मूवी की हिंदी ओटीटी रिलीजिंग का वेट है। तो हम आपको बता दें, इससे जुड़ी हिंदी ओटीटी रिलीजिंग अपडेट हमारे पास निकल के आ चुकी है। ये मूवी आपको इसी महीने 16 अगस्त को देखने को मिल जाएगी बुक माई शो के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो 16 अगस्त को इस मूवी को बुक माई शो के ऊपर रेंट करके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास हिंदी मूवी इश्क विश्क रिवाउंड से रिलेटेड। ये मूवी भी इसी साल 21 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ऑडियंस की तरफ से मूवी को रिस्पॉन्स अच्छा मिला था और IMDb रेटिंग है 6.9 out of 10। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो कि इश्क विश्क, जो कि 2003 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन नई स्टार कास्ट। लेकिन आपको इस मूवी में नई स्टारकास्ट देखने को मिलेगी। काफी सारे लोगों को इस मूवी की भी ओटीटी रिलीजिंग का वेट है। तो हम आपको बता दें, हमारे पास इससे जुड़ी एक ओटीटी रिलीजिंग अपडेट निकल के आ रही है कि ये मूवी आपको इसी महीने यानी कि अगस्त के महीने में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके रिलीजिंग डेट के बारे में तो 16 अगस्त इसकी डेट निकल के आ रही है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स विदाउट एनी अनाउंसमेंट के इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज कर देगा। तो अगर आप भी इस मूवी का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे तो 16 अगस्त को ये मूवी सरप्राइज रिलीज हो सकती है। यहाँ पे अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो नेटफ्लिक्स इसको विदाउट अनाउंसमेंट के रिलीज करने वाला है इसी महीने 16 अगस्त को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास पंजाबी मूवी चीता सिंह से रिलेटेड, जो कि लास्ट ईयर 1 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही पसंद किया गया था। IMDb रेटिंग है 8.4 out of 10, और काफी सारे लोग इस मूवी के लिए भी लास्ट ईयर से ही इंतजार कर रहे हैं कि ये मूवी कब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। तो हमारे पास एक अपडेट निकल के आ रही है, ये मूवी आपको एक नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। जी हाँ, 15 अगस्त को एक न्यू पंजाबी ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज होने वाला है जिसका नाम रहने वाला है केवल वन। जी हाँ, केवल वन एक न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नई पंजाबी मूवीज को रिलीज किया जाएगा, और उनमें से चीता सिंह भी एक न्यू मूवी है जिसको थिएटर्स के बाद इतना इंतजार करने के बाद अब केवल वन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया जाएगा। तो अगर आप भी चीता सिंह का लास्ट ईयर से वेट कर रहे थे तो अभी बस कुछ ही दिनों के बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा केवल वन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि 15 अगस्त से लॉन्च करने वाली है इसकी कंपनी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे साउथ इंडियन मूवी बड़ी की ओटीटी रिलीजिंग अपडेट, जो कि एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको इसी महीने 2 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 out of 10, और थिएटर्स में इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसकी ओटीटी रिलीजिंग अपडेट के बारे में तो ये मूवी आपको सिनेमा रन के बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, जहां पे इसकी डेट नेक्स्ट मंथ, जी हाँ, नेक्स्ट मंथ सितंबर के फर्स्ट वीक में बताई जा रही है। और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। ये मूवी आपको बाद में कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी अभी तक हमारे पास कंफर्म अपडेट नहीं निकल के आई है, लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेज में ये मूवी 100% नेटफ्लिक्स के ऊपर ही रिलीज होने वाली है, जिसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 या 3 वीक का और वेट करना पड़ेगा, ये मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास है मच अवेटेड मूवी मुंजिया की ओटीटी रिलीजिंग अपडेट, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसको थिएटर में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है ऑडियंस की तरफ से। IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। इसी वजह से अब मेकर्स ने इस मूवी के लिए थोड़ा सा और डिले कर दिया है। जहां पे इस मूवी को पहले 2 महीने के अंदर अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज करना था, और अब इसकी डेट बढ़ के हो चुकी है 3 महीने। जी हाँ, अब 3 महीने के बाद यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ही देखने को मिलेगी, जहां पे इसकी रिलीजिंग डेट बताई जा रही है 6 सितंबर। जी हाँ, ये मूवी आपको 6 सितंबर को देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इतना इंतजार नहीं कर सकते तो उससे भी पहले ये मूवी आपको टीवी चैनल स्टार गोल्ड के ऊपर देखने को मिलेगी, जहां पे इसकी डेट 24 अगस्त बताई जा रही है। जी हाँ, यहां पे ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है 24 अगस्त को ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल के ऊपर, और उसके बाद ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 6 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप भी मेरी तरह मुंजिया मूवी के लिए वेट कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो यही थी
ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली कुछ बड़ी मूवीज की अपकमिंग ओटीटी रिलीजिंग अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ओटीटी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।